अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं आज की एक अच्छी बात से, तो वो ये है कि कभी किसी की कॉपी ना करें, कभी किसी के जैसा बनने की कोशिश ना करें, अपनी पहचान खुद बनाएं। किसी की कॉपी करने से हमें ये नुकसान होता है कि हम उसके जैसे तो नहीं बन पाते हैं लेकिन अपना आप भी खो देते हैं। तो अपनी पहचान बनाएं, कुछ ऐसा करें कि आपकी अपनी खुद की पहचान बनाएं। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन हम सबके लिए बहुत ही फजीलत का दिन होता है, तो आप सबको जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ चाय बना रहे हैं, ये चाय बन रही है, इसमें उबाल आ चुका है और ये पराठे के लिए मैंने ये पेड़े भी रेडी कर लिए हैं, बिल्कुल रेडी हैं ये। और बस अब मैं इनको बेल के और तवे पर डालूँगी। ये देखें फ्रेंड्स, ये पराठा यहाँ बन रहा है, यहाँ पे ये मेरे लिए दो अंडे बॉईल हो रहे हैं और ये चाय बन रही है, तो सारे काम एक साथ हो रहे हैं। रोज़ एक जैसा नाश्ता नहीं करते हैं, नाश्ता हम लोग अलग अलग तरीके में करते हैं। कभी बेकरी का नाश्ता होता है, कभी बाहर होटल का होता है, तो कभी घर में पराठा वगैरह बना लेते हैं। हम लोग एक जैसा नाश्ता हम लोग नहीं करते हैं, तो ये आज मैंने सोचा कि चलो घर में नाश्ता बनाया जाए, तो इसलिए अंडे और पराठे बना रही हूँ आज मैं। तो आज हाफ फ्राई अंडा नहीं बनाएंगे, आज ऑमलेट बनाएंगे। तो ये देखें, ये ऑमलेट भी यहाँ रेडी है तकरीबन, मैंने यहाँ डाल दिए हैं तवे पर। अब ये पक रहा है अंडे, अभी टाइम लगेगा। चाय पक चुकी है और पक रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा पकने में इसको। A few moments later. व्यूअर्स, अब्दुल्ला जो है नमाज के लिए रेडी है और उसको वीडियो बनाने में शर्म आ रही है, तो ये वीडियो नहीं बना रहा, अपना चेहरे को छुपा रहे हैं। ये देखें, हंसी भी बहुत आ रही है, ये वीडियो नहीं बनवा रहे हैं। और ये अभी नमाज के लिए बिल्कुल रेडी है, बस ये नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। शलवार कमीज पहने हुए हैं, देखें शलवार कमीज का लुक अब्दुल्ला का, टोपी शलवार कमीज, ये देखें। अब्दुल्ला याद नहीं करना तुम्हें, अब्दुल्ला याद नहीं करना। ये ड्रामे बाजी छोड़ दो, आप बड़े हरामी हो बेटा, बहुत ड्रामे हो गए तुम्हारे। चलो उठो, शाबाश, याद करना है। देखो टाइम नहीं है, 4 बज रहे हैं, 1 घंटा रह गया है बस। हाँ असल में? जी हाँ असल में। तो क्या नकल में? हाँ। जल्दी से उठ जाओ शाबाश। 3 बजे। अच्छा हमको सिखा रिया है? अभी तो नहीं, 4 बजे। वीडियो का एंड। वीडियो का एंड कैसे करते हैं, करना था वीडियो का एंड। अब्दुल्ला वीडियो का एंड कर दो। अब्दुल्ला नमाज पढ़ के आया है, खाना खाया है और खाना खाने के बाद इसकी ये मस्तियाँ शुरू हो गई हैं, ये मस्तियाँ शुरू हो गई हैं ये इसकी। हाय गाइस, मैं अभी ट्यूशन जाऊंगा, फिर मैं आपको ट्यूशन के बाद मिलूंगा ट्यूशन के बाद। A few inches later. तो गाइस ये अब्दुल्ला जो है, ये इसके ट्यूशन का टाइम होने वाला है, 4:30 हो रहा है, 5 बजे तक ये ट्यूशन चले जाएगा, आएगा फिर ये थोड़ा देर से, 6:30 बजे तक आएगा ट्यूशन से। तो फिर अब्दुल्ला जो है ना, फिर व्लॉग बनाएगा हम सबके लिए, है ना अब्दुल्ला? बनाओगे ना अब्दुल्ला, बनाओगे ना व्लॉग?
जल्दी से बताओ हाँ या नहीं। बोलो जी। हाँ बोलो जी। बनाना है ठीक है, कैसे बनाओगे पहले बताओ तो सही। हाय गाइस। हाय गाइस। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे सब। इस तरह बनाओगे? तो फ्रेंड्स ये देखें, ये चाय बन रही है शाम की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अभी लाइट भी चली गई है तो जनरेटर हमने स्टार्ट कर दिया था। शाम की चाय बन जाए तो फिर चाय पी के फिर रात का खाना बनाएंगे। आज रात के खाने में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं, तो बस तो गाइस चाय जो है वो बिल्कुल रेडी है, ये देखें। अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। अच्छा, हमको सिखा रही है। चाय पी के फिर मैं शाम का खाने का सोचती हूँ कि मुझे क्या पकाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा आज अब तक। तो देखें गाइस, ये वानिया ने जो कल रजिस्टर वगैरह खरीदे थे उन पर सब पे कवर कर दिया है इसको। ओह माय गॉड, वाओ। ये इंग्लिश, सिंधी, मैथ एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, ये मुताला पाकिस्तान है, और ये केमिस्ट्री है, और ये है इंग्लिश टेक्स्ट। ये सारा कवर जो है ये कंप्लीट हो चुका है इसका कोर्स। बस अभी बुक्स आनी बाकी हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू नहीं हुई हैं तो अभी वो बाकी हैं, बस वो आएंगी तो फिर उन पे भी कवर कर लिया जाएगा। तो गाइज हम खाना खा चुके हैं रात का, और अब तो कोई काम नहीं है हमें करने के लिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो आज का व्लॉग हम यहीं करते हैं एंड। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए बहुत सारा। अच्छा, हमको सिखा रही है। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।